नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, अगर आपको कोई फेसबुक पे परेशान कर रहा है और परेशान कर रहा है तो आप क्या करते हैं कि उस क्रिएटर को यानी कि जो यूजर होता है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं। फेसबुक पर एक ऑप्शन आता है कि जो आपको परेशान कर रहा है जिसके नाम की आईडी है, अगर आप आईडी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक करने के बाद ना ही वो आपको मैसेज भेजवा ना ही वो आपको गाली देगा, तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आप कई सारे जगहों पर कभी कभी गुस्सा में भी किसी को ब्लॉक कर देते हैं, कोई गाली भी नहीं देता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अगर अचानक से आपका मूड बना, अचानक से आपका मन किया कि नहीं यार, मैंने जिसको ब्लॉक किया है उसको अनब्लॉक किया जाए, तो जब ये आप सोचते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता है कि भैया अनब्लॉक कैसे किया जाता है, किसी को मैंने ब्लॉक किया है तो उसको अनब्लॉक कैसे किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप किसी को अगर ब्लॉक किए हैं तो आप उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से किसी यूजर को आप ब्लॉक किए हैं तो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर फेसबुक पर आप किसी को ब्लॉक कर दिए हैं तो आप किस तरीके से अनब्लॉक उनको करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं, क्योंकि ये ऐसे ही अपडेट आप सभी के बीच पहुंचती रहती है। तो उसके लिए चलते हैं फेसबुक पर। देखिए, फेसबुक पर चलते हैं तो ये आपका प्रोफाइल है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर पर खोलते हैं तो ठीक है, अगर आप मोबाइल पर भी खोलते हैं तो आप आसानी से चीज़ को समझ जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको 3 डॉट लास्ट में दिखता होगा और यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मोबाइल में दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, सो यू हैव टू क्लिक ओवर देयर। तो आपको क्या करना है कि सेटिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, आपके सामने साइड में देखिए साइड बार में ऐसा ऑप्शन आता है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्लॉकिंग का, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे? ब्लॉकिंग। तो यहाँ पे ब्लॉकिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए, जैसे ही ब्लॉकिंग पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने किया है कि ब्लॉक यूजर्स, यहाँ पे मैंने जो जो यूजर्स को ब्लॉक किया है वो यहाँ पर नाम आ रहा है। और आप भी ऑलरेडी किसी को अगर अपने आईडी से ब्लॉक किए होंगे तो वो वहाँ पर उनका नाम जो है वो आएगा। तो मैं यहाँ पर 2 लोगों को ब्लॉक किया हूँ, तो अब मैं क्या करना है कि अब मुझे अनब्लॉक करना है। तो देखिए, जैसे ही आप जिसको ब्लॉक किए हैं यहाँ पर जब आते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक अनब्लॉक का ऑप्शन आने लगता है। सो आप जिस क्रिएटर को यानी कि जिस फेसबुक आईडी को आप अनब्लॉक करना चाहते हैं उसके सामने एक अनब्लॉक का डब्बा बना होता है, आपको क्या करना है कि अनब्लॉक पर क्लिक करना है। तो आपको अनब्लॉक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ये आ जाएगा, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो है कंफर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, ठीक है। जैसे ही कंफर्म करते हैं, देखिए ये जो मैंने ऊपर दिए जिसको मैंने अनब्लॉक किया था वो यहाँ से हट गया, यानी कि अब जो ये नाम है वो हमारे ब्लॉक लिस्ट से हट चुका है। तो इस तरीके से आप किसी को ब्लॉक किए हैं और चाहते हैं कि अनब्लॉक करें फेसबुक के माध्यम से, तो इस तरीके से आप अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने, इस तरीके से आप चाहें तो आसानी से किसी भी बंदे को अगर आपने ब्लॉक किया है तो उसको अनब्लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप अनब्लॉक करेंगे वो आपको दिखने लगेगा, या फिर वो आपको सर्च करता है तो वो आपको दिखने लगेगा, फोटो पे कमेंट कर सकता है, फोटो पे लाइक्स कर सकता है और आपको मैसेज भी भेज सकता है। तो है ना आसान तरीका। तो इस तरीके से आप जो है ब्लॉक पर्सन को अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।